आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी वक्त से सोनाली बेंद्रे न्यूयॉर्क में अपने कैंसर का इलाज करवा रही हैं। जब से उनके फैंस को उनके कैंसर की खबर सामने आई थी, तभी से उनके फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और हर एक दिन सोनाली बेंद्रे के सलामती के लिए हर कोई दुआ मांगता हुआ नजर आता है। वहीं आपको बता दें, बीते ही दिनों अनुपम खेर और प्रियंका चोपड़ा भी सोनाली बेंद्रे से मिलने के लिए पहुंचे थे। सोनाली बेंद्रे के कैंसर का लास्ट स्टेज चल रही है और साथ ही साथ उनके साथ कई बार उनकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें फैंस देखकर काफी ज्यादा भावुक होते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन हाल ही में सोनाली बेंद्रे की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो अपने पति गोल्डी बहल को काफी ज्यादा मिस करती हुई नजर आई हैं। या फिर यूं कहें, इस बीमारी के वक्त में भी गोल्डी बहल उनके साथ नहीं नजर आए और जिसके कारण सोनाली बेंद्रे अपने पति को काफी ज्यादा मिस करती हुई नजर आई हैं। सोनाली बेंद्रे का फोर्थ स्टेज चल रहा है कैंसर का, उन्हें हाई ग्रेड कैंसर है। तो वहीं आपको बता दें, सोनाली बेंद्रे की बीते ही दिनों एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें सोनाली बेंद्रे विग लगाती हुई नजर आई थी और बेहद ही खूबसूरत वो दिखाई दी थी। उनका कॉन्फिडेंस आज भी डाउन नहीं हुआ, वो हर एक लड़की के लिए आज इंस्पिरेशन बन गई हैं। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि बीमारी की हालत में भी सोनाली बेंद्रे किस तरीके से अपने पति गोल्डी बहल को मिस कर रही हैं और उनके पति उनके साथ कैंसर की इस बीमारी में भी उनके साथ नहीं नजर आए हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली वीक करती है। लेकिन सोनाली बेंद्रे, जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी अपना कॉन्फिडेंस टूटने नहीं दिया। आज भी सोनाली बेंद्रे जिस तरीके से कैंसर से जंग लड़ रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहलाई जाती हैं, जिनकी एक मुस्कान से लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं। सोनाली बेंद्रे पिछले काफी वक्त से न्यूयॉर्क में अपने कैंसर का इलाज करवा रही हैं। सोनाली सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने फैंस को कोई ना कोई तस्वीर शेयर कर अपनी जानकारी देती रहती हैं। वहीं आपको बता दें, अपनी नई नई फोटो शेयर करके सोनाली अपने फैंस को खुश करती रहती हैं। वहीं एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला। दरअसल सोनाली बेंद्रे यूएन डे के मौके पर एक इवेंट में पहुंची थी, जिसके बाद सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोनाली ने लिखा, म्यूजिक के अलावा कुछ भी आपकी आत्मा को सुकून नहीं दे सकता है। गोल्डी बहल, मिस यू। तुम यहाँ होते तो इंजॉय करते। वेल, आपको बता दे, सोनाली बेंद्रे का जब से ये पोस्ट वायरल हुआ है, तभी से सोनाली बेंद्रे को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि सोनाली बेंद्रे अपने पति गोल्डी बहल को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं। दरअसल उस तस्वीर में सोनाली बेंद्रे अकेले ही नजर आई हैं। सोनाली बेंद्रे का बाल्ड लुक नजर आया है और ऐसा माना जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इस गंभीर बीमारी के मौके पर गोल्डी बहल को सोनाली बेंद्रे के साथ इस कॉन्सर्ट में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन गोल्डी बहल अपनी पत्नी सोनाली बेंद्रे के इस मौके पर साथ नहीं थे। आपको बता दें, सोनाली बेंद्रे का ये पोस्ट काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। सोनाली बेंद्रे के चेहरे पर काफी ज्यादा मासूमियत नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, सोनाली बेंद्रे हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। सोनाली बेंद्रे पिछले काफी वक्त से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाई ग्रेड कैंसर से जूझ रही हैं और उनके कैंसर की फोर्थ स्टेज चल रही है। इस दौरान सोनाली बेंद्रे के दोस्त भी उनसे मिलते जुलते रहते हैं। न्यूयॉर्क में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अनुपम खेर सोनाली बेंद्रे से मिलने पहुंचे थे और इन सब ने साथ में काफी अच्छा वक्त भी बिताया था, जिसकी तस्वीरें अनुपम खेर के साथ साथ सोनाली बेंद्रे ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली थी। आपको बता दे, सोनाली बेंद्रे सरोज वादक उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटे अमान और अयान अली बंगश के साथ भी एक फोटो शेयर की थी।
इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और उनकी यही पॉजिटिविटी देखकर हर कोई दंग रह गया, हर कोई सोनाली बेंद्रे के कॉन्फिडेंस की दाद दे रहा है। वहीं आपको बता दे, कुछ दिन पहले ही सोनाली ने अपने हेयर स्टाइलिस्ट की तस्वीर शेयर की थी और उनकी तारीफ भी की है। न्यूयॉर्क में इसी हेयर स्टाइलिस्ट ने सोनाली का हेयर कट किया था। सोनाली के लिए उनकी हेयर स्टाइलिस्ट ने नया विग तैयार किया है। सोनाली का नया लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है। पिछले दिनों सोनाली बेंद्रे ने विग के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जो वाकई काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली थी, तो वहीं फैंस भी काफी ज्यादा खुश हुए थे सोनाली बेंद्रे का ये नया लुक देखने के बाद। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा ने सोनाली बेंद्रे को एक विग दी थी जो सोनाली बेंद्रे के ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रही थी और वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। जिस तरीके से सोनाली बेंद्रे हर नामुमकिन कोशिश कर रही हैं अपने आप को खुश रखने की और कैंसर को हराने की, वो वाकई काबिले तारीफ है। कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, लेकिन सोनाली बेंद्रे जिस तरीके से कैंसर से जंग लड़ रही हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। सोनाली बहुत हिम्मत वाली हैं, आए दिन वो अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं। वहीं बॉलीवुड के तमाम सितारे उनके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। हर कोई सोनाली बेंद्रे की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहा है, तो वहीं हर कोई बस यही चाहता है कि सोनाली बेंद्रे अब जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट कर चली आए। सोनाली से मिलने उनके परिवार के लोग ही नहीं, तमाम फ्रेंड्स भी जाते रहते हैं सोनाली बेंद्रे से मिलने। हाल ही में जब अनुपम खेर पहुंचे थे, उन्होंने सोनाली के साथ एक बेहतरीन डिनर किया था जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी, जिसके बाद से हर कोई सोनाली बेंद्रे की तस्वीरें देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ था। सोनाली बेंद्रे वाकई में महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, तो वहीं सोनाली बेंद्रे कैंसर को हराने की हर कोशिश कर रही हैं और अब यही उम्मीद की जा रही है कि सोनाली बेंद्रे अब जल्द से जल्द ठीक होकर अपने देश वापस लौट कर चली आएंगी। लेकिन अगर बात की जाए उनके पति गोल्डी बहल की, तो आपको बता दें सोनाली बेंद्रे के इस पोस्ट से जाहिर हो जाता है कि सोनाली बेंद्रे वाकई अपने पति गोल्डी बहल को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। कॉन्सर्ट के दौरान इस गंभीर बीमारी में भी सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बहल को अपनी पत्नी सोनाली बेंद्रे के साथ इस गंभीर वक्त में होना चाहिए था। ये काफी मुश्किल की घड़ी चल रही है सोनाली बेंद्रे के लिए। वेल, हम यही उम्मीद करेंगे कि अब सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया सोनाली बेंद्रे किस तरीके से कैंसर से जंग लड़ रही हैं, किस तरीके से वो कैंसर को हराने में लगी हुई हैं। उनका कॉन्फिडेंस वाकई काबिले तारीफ है। उनके कैंसर का फोर्थ स्टेज चल रही है, लेकिन बावजूद इसके सोनाली बेंद्रे वाकई हर महिला के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आज भी कायम है और हाल ही में जिस तरीके से आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि सोनाली बेंद्रे ने एक काफ़ी भावुक कर देने वाली तस्वीर शेयर की जिसमें वो कॉन्सर्ट तो इंजॉय करती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच वो अपने पति गोल्डी बहल को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करती नजर आई। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि सोनाली बेंद्रे के पोस्ट में ये साफ तौर से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आई मिस्ड गोल्डी बहल, यानी कि ये साफ हो जाता है कि गोल्डी बहल यानी कि वो अपने पति को इस गंभीर बीमारी में काफी ज्यादा मिस कर रही हैं। हमें ये तो नहीं पता कि गोल्डी बहल सोनाली बेंद्रे के साथ इस मौके पर मौजूद क्यों नहीं हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा दुखी हैं कि उनके पति उनके साथ इस खास मौके पर मौजूद नहीं हुए थे। वेल, दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द ठीक होकर अपने देश वापस लौट कर चले आए। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही कुछ दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।